तन मन और धन ये तीनों चीजें हमारी अपवित्र होती हैं, और इनको पवित्र करने के लिए ही श्रीमद् भागवत प्रेरित करती है। कल मैंने आप पहले दिन कथा में आप लोगों को बताया था, कथा कौन सुनता है? शरीर कथा नहीं सुनता, कान कथा नहीं सुनती, बुद्धि कथा नहीं सुनती, आत्मा कथा नहीं सुनती, कथा सुनता है मन। मन पवित्र हरि भजन सो। हम लोग जो ये कीर्तन करते हैं, जो भजन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, इससे क्या होता है? इससे मन पवित्र होता है। तो तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता नहाने से नहीं है, साबुन रगड़ रगड़ करके नहाने से तन की पवित्रता नहीं है। तन की पवित्रता कैसी है? अब जैसे ये कथा कौन करा रहा है? मिथिला महिला मंडल। इस पंडाल में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपका अतिथि है। यदि आप उसकी सेवा करते हो तो आप अपना तन पवित्र कर रहे हो। और केवल मिथिला महिला मंडल नहीं, यहां जो कोई भी लोग बैठे हैं, आपस में आए हुए हर व्यक्ति की आप यदि सेवा कर रहे हो तो आप अपने तन को पवित्र कर रहे हो। तन की पवित्रता है सेवा में। उसके बाद आता है धन पवित्र कर दान।